नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक जॉन क्लासेस में। दोस्तों, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली है। इसकी पूरी चर्चा अपन इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें क्या सिलेबस रहेगा और इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, क्या योग्यता मांगेगी है, इसकी पूरी चर्चा अपनी इस वीडियो में करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, जयपुर मेट्रो में वैकेंसी निकाली गई है और ये 16 दिसंबर 2019 को ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था। इसमें देखिएगा, वैकेंसी के बारे में दे रखा है। इसकी वैकेंसी आप इस वेबसाइट पर जयपुर मेट्रो डॉट इन पर इसकी जो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फॉर्म जो फिलअप होगा इसी साइट पर होने वाला है। इस साइट पर जाकर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसका फॉर्म जो भरा जाएगा, ये डेट दे रखी है इसके अंदर, ओपनिंग 16/12/2019 को ये एप्लीकेशन आउट हुआ था, और इसे सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन है जो 23/12/2019 से भरा जाएगा और 23/1/2020 तक, यानी कि रात को 12 बजे तक इसको फॉर्म भरा जा सकता है। और ये जो फॉर्म भरा जाएगा, खुद भी भर सकते हैं और ई मित्रा के उसे भी भरा जा सकता है। और इसके अंदर देखिएगा सिलेबस क्या रहेगा इस वैकेंसी का, और इसमें क्या दे रखा है, कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें। देखिएगा, इसमें जो आपका पेपर होने वाला है, CBT होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और इसके अलावा इसके साइको होगा, साइको टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, और इसके अंदर मेडिकल टेस्ट इसमें होने वाला है। और इसके अंदर अपन आगे इसमें रिजर्वेशन के बारे में दे रखा है, आरक्षण के बारे में, जो अन्य भर्ती में जैसे SC ST OBC है, EWS है, इनको जो आरक्षण दिया जाता है, इनके बारे में लिख रखा है। या इसको पढ़ लेना, इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया होगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना इसको, या इसकी जो मेन साइट है वहाँ से भी आपको ये PDF मिल जाएगी। इसमें ये भी बात लिखी है, OBC SC ST EWS है, MBC है, इनको जो आरक्षण दिया गया है, और वुमेन आरक्षण है, इस वुमेन आरक्षण की बात कही हुई है। इतने % इनकी सीटें आती हैं वो इसमें अलग अलग डिवाइड की गई है, और डिसेबिलिटीज है, और एक्स सर्विसमैन है, उनको भी ये सीट दी गई। इसमें देखिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, इसमें क्वालिफिकेशन देख लेते हैं अपने। इसमें अलग अलग सीट निकाली गई है, जैसे स्टेशन कंट्रोलर है या ट्रेन ऑपरेटर है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन होने चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, और इसके साथ देखिएगा 12th के अंदर मैथमेटिक्स और फिजिक्स होना चाहिए, वो ही ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं कर सकता। ग्रेजुएशन इसमें नहीं लिख रखा, ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए या आर्ट्स से होना चाहिए, केवल इसमें ये दे रखा है कि 12th है वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स दो सब्जेक्ट या दे रखा है, या तो फिजिक्स या मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए इसमें अंदर। और जूनियर इंजीनियर है इसमें के अंदर, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए 50% मार्क साथ, और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक डिग्री इलेक्ट्रिक होनी चाहिए, और 50% मार्क साथ ये मांग रखी है। और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के अंदर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल होना चाहिए इंजीनियरिंग के अंदर, और 50% मार्क साथ। और इसके अंदर देखिए, कस्टमर जो रिलेशन असिस्टेंट है उसके अंदर किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना चाहिए और 50% मार्क्स होना चाहिए। ये किसी भी स्ट्रीम का आ सकता है जो ग्रेजुएशन कर रखी है, चाहे आर्ट से है, साइंस स्ट्रीम से है, या अन्य कोई है, BCOM वगैरह, BA BSc BSc जो भी है, BC है, वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और मेंटेनर है, इलेक्ट्रिशियन है। इसके अंदर देखिएगा, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिस, यानी कि जो IT होती है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन के अंदर, वो ये फॉर्म मेंटेनर का फॉर्म भर सकता है। और जो 2 सालों का कोर्स होता है वो होना चाहिए। इसके अलावा ये भी दे रखा, स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन, ट्रेड इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय SC VT,
प्रोसेंट है कोर्स ऑफ मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन, यानी कि स्टेट के द्वारा राज्य के द्वारा जी जो इलेक्ट्रिशियन में कोर्स कराए जाते हैं वो होगा, वो भी चल सकता है। और मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेगा वो ही मांग रखी है, इसके अंदर ITI होना चाहिए 2 सालों का, मिनिमम 2 ईयर्स का, और या फिर स्टेट लेवल का जो इलेक्ट्रिशियन के अंदर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये चल सकता है, ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और मेंटेनर फिटर के अंदर देखेगा, इसके अंदर वही है सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सर्टिफिकेट होगा जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो मिनिमम 2 ईयर्स का होता है वो डिप्लोमा होना चाहिए, स्टेट लेवल का डिप्लोमा चल सकता है। और इसकी जो फॉर्म भरने की तारीख है 23, अंतिम तारीख है 23/1/2020 तक इसके फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। इसके आगे ये रूल्स लिख रखे हैं जो सामान्य रूल अन्य भर्तियों में जो लागू होते हैं भर्तियों के अंदर, वही है। एक लिमिट से देखिएगा आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए, और मेंटेनर्स है उसकी 18 वर्ष चल सकती है, इसके अलावा 21 वर्ष आयु होना चाहिए, और 1 जनवरी 2021 तक 41 वर्ष से बड़ा नहीं होना चाहिए, ये उम्र इसकी दे रखी है। इसके अलावा प्रोवाइडेड दे रखिएगा इसमें SC/ST OBC को जो छूट दी जाती है आयु में वो भी इसमें लागू होगी जो सामान्य अन्य भर्ती में दी जाती है। और इसके अंदर देखिएगा किन बातों को आप लोगों को याद रखिए, है ही है नेशनलिटी है ही है, भारत का होना चाहिए, ठीक है। और मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, मेडिकल भी चेक होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, किस प्रकार कोई भी अंग कटा फटा नहीं होना चाहिए जो भी इसके अंदर लागू हो, अन्य इसको डिस्क्वालीफिकेशन किया जा सकता है। और एप्लीकेशन प्रोसेस है ही है, इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस जो आपको ये साइट दे रखी है JMRC की, इस पर जाकर ये फॉर्म भरना होगा, यहाँ से फॉर्म फिलअप करना होगा, और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा ये फॉर्म देख लेते हैं कैसे कैसे भरा जाएगा, इसकी वीडियो अलग से बना देंगे, फॉर्म कैसे भरना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर फॉर्म भरने की वीडियो बनाने की आपको जरूरत है तो आप इमी तरह क्वेश्चन के फॉर्म भर सकते हैं, या खुद भी आप अपने घर से लैपटॉप से जो भी आपके पास सुविधा है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिएगा एप्लीकेशन फ़ी, देखिएगा एप्लीकेशन फ़ी कितनी लगने वाली है, 4% डिसेबिलिटी जो है केवल OL और RL जो कैंडिडेट्स होते हैं डिसेबिलिटीज उनके लिए 250 रुपये, SST कैंडिडेट के लिए 250 रुपये लगेगा। फॉर नॉन क्रिमिनल इसके अंदर OBC आ जाएगा, AWS MBC आ जाएगा, वो 400 रुपये लगेगा राजस्थान कैंडिडेट्स के लिए, जो अन्य कैंडिडेट्स है इसके अलावा जो भी है अगर बाहरी राज्य से आ रहे हैं या फिर राजस्थान के सामान्य हैं उनको 500 रुपये अदा करना होगा। और इसके अलावा भी सर्विस चार्ज कुछ लगेगा, अगर ई मित्रा से आप फॉर्म फिलअप कराते हो तो 45 रुपये लगेगा, अगर अपने क्रेडिट कार्ड से डेबिट कार्ड से नेट बैंकिंग UPI से करवाते हो तो 10 रुपये आपको देना होगा, ये भी देख लेना थोड़ा। इसी के अंदर देखिएगा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाली है, स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर के लिए पहले इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, साइको टेस्ट होगा, इंट्री होगा, और मेडिकल फिटनेस इसको चेक की जाएगी। और जूनियर जो इंजीनियर है इसके लिए CBT होगा, साइको इसके लिए नहीं होगा, इंटरव्यू भी नहीं होगा, और मेडिकल फिटनेस इसके लिए होगा, यानी कि जूनियर इंजीनियर के लिए 2 ही होने वाली है, एक तो कंप्यूटर टेस्ट हो जाएगा, एक मेडिकल फिटनेस हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी हैं उनके लिए कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट है, मेंटेनर है, इनको केवल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा और फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा, बस 2 ही है। केवल स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर के लिए ही CBT होगा, साइको टेस्ट होगा, एंट्री होगा, और मेडिकल फिटनेस होना जरूरी है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें देखिएगा ये एक नंबर देखिएगा, द CBT विल कैरी 100 मार्क्स एंड द इंटरव्यू विल कैरी 10 मार्क्स वेर एप्लीकेबल, जो CBT होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 100 नंबरों का होगा, और इंटरव्यू 10 नंबरों का होगा इसके अंदर। इसके अलावा साइको टेस्ट और मेडिकल फिटनेस इसमें नंबर नहीं होगा, केवल ये पास मार्किंग होना चाहिए, पासिंग होना चाहिए। और इसके अंदर देख लेते हैं अपन, फॉर द स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर के लिए जो स्कीम रहेगी पेपर क्या रहने वाली है, स्टेज फर्स्ट के लिए देखिए 100 मार्क्स का पेपर होगा इसके अंदर, और 120 मिनट हो गए यानी 2 घंटे आपको दिए जाएंगे, 100 मार्क्स का होने वाला है, और 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी, 1 क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और इसके अंदर मिनिमम
40% मार्क SC/ST, 40% लाना होगा इसके अंदर, 40% मार्क्स लाना जरूरी है। और SC/ST SC/ST PWESM के लिए 35% मार्क्स लाना इनके लिए जरूरी होगा। परीक्षा की स्कीम देखिएगा क्या रहेगा इसके अंदर, जनरल नॉलेज और अवेयरनेस रहेगा, यानी कंट्री के वगैरह पूछा जा सकता है। 20 नंबर का जनरल साइंस 20 क्वेश्चन आएंगे, और मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग है 20 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर अवेयरनेस है 10 क्वेश्चन, इंग्लिश 10 क्वेश्चन और हिंदी 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये केवल कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर के लिए है। और स्टेज इसके सेकेंड ये रहेगा, साइको टेस्ट होगा इसका, क्वालिफाइंग टेस्ट है लिख रखा है यहाँ पर, केवल आपको क्वालिफाई करना होगा। और इंट्री होगा 10 नंबरों का, और मेडिकल फिटनेस है, ये क्वालिफाई है ये लिख रखा है यहाँ पर। और इसके अलावा देखिएगा इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स, और जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए स्टेज फर्स्ट इसका CBT होगा 100 नंबरों का, और बाकी सेम ही रूल है, 120 मिनट का होने वाला है इसके अंदर। ये सिलेक्ट देखिए क्या आने वाला है, डोमेन ट्रेड रिलेटेड आ जाएगा, और जनरल नॉलेज अवेयरनेस आ जाएगा, जनरल साइंस 10 नंबरों की, मैथमेटिक्स 10 नंबरों की, लॉजिकल रीजनिंग 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, क्वेश्चन है 10 नंबर नहीं क्वेश्चन है, कंप्यूटर अवेयरनेस 5 क्वेश्चन, इंग्लिश 5 क्वेश्चन, हिंदी 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। यानी क्वेश्चन दे रखे है, जितने जितने क्वेश्चन आपको देख लेना आप इसके PDF में अच्छी तरह से। और स्टेज सेकेंड इसमें होने वाला है मेडिकल फिटनेस होगा, ये क्वालिफाई मांगा गया, क्वालिफाई होना चाहिए। और फॉर दी कस्टमर रिलेशन के लिए स्टेज फर्स्ट सेम चलेगा इसके अंदर, CBT टेस्ट होगा। देखिएगा एक बात याद रखिएगा, इनका जो सिलेबस है थोड़ा अलग अलग है सभी के लिए, जिस भी पोस्ट को आप रो उसका सिलेबस अच्छी तरह देख लेना। जनरल नॉलेज अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथ के आ जाएंगे 20 क्वेश्चन, लॉजिक रीजनिंग 20 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, हिंदी के 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। और स्टेज सेकेंड इसके रहेगा, मेडिकल स्टैंडर्ड चेक किया जाएगा। और इसके अंदर देखिएगा मेंटेनर इलेक्ट्रिशियन के अंदर देखिएगा स्टेज फर्स्ट वही रहेगा, CBT टेस्ट होगा इसके अंदर। डोमेन रिलेट ट्रेड रिलेटेड आ जाएगी 55 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, जनरल साइंस 10 क्वेश्चन, क्वांटिटी 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। और इसके अलावा कंप्यूटर अवेयरनेस 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, इंग्लिश के 5 क्वेश्चन, हिंदी के 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। और स्टेज सेकेंड इसके अंदर रहने वाला है मेडिकल फिटनेस, इसके अंदर चेक किया जाएगा। और इसके अंदर आपको किन बातों को याद रखना है, ध्यान देना होगा। देखिएगा सिलेबस इसका पूरा दे रखा है, सिलेबस देख सकते हो आप 11 नंबर पर। स्टेशन कंट्रोलर ट्रेनर के लिए क्या क्या कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं, ये टॉपिक आप अच्छी तरह से देख लेना, इसकी PDF डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप जिस भी स्ट्रीम में अर्ग में भर रहे हो उसका सिलेबस अच्छी तरह से देख लेना। इसकी PDF आपको टेलीग्राम लिंक पर भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये बड़ी बड़ी बात थी इसके अंदर, इसके फॉर्म जो स्टार्ट होंगे 23 दिसंबर से होंगे मेरी सलाह, आप जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हो जो इसे भरने के लायक है जल्दी से भर दे, ताकि बाद में, क्योंकि कई बार क्या होता है अंत में साइट वगैरह नहीं चलती है तो थोड़ा समस्या आ जाती है। और एक ये भी याद रखना, ये आपको बॉन्ड भरा जाएगा 1.5 लाख का स्टेशन कंट्रोलर के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए 1.5 लाख का, और अन्य के लिए 1-1 लाख का, मेंटेनर्स और कस्टमर रिलेशन के लिए। यानी कि आपको 3 साल के लिए हर हाल में वहाँ से काम करना होगा, अगर बीच में चले जाते हो तो इतने रुपये उनको देना होगा, ये बॉन्ड होता है। और इसकी देखिएगा सैलरी क्या लेने वाली है, सैलरी देख लें, लेवल 10 की है ये, बढ़िया सैलरी रहेगी इसकी, स्टेशन कंट्रोल ट्रेन ऑपरेटर के लिए लेवल 10 की है। पहले प्रोबेशन काल में आपको 23,700 रुपये मिलने वाले हैं, और बेसिक से फिर हो जाएगी 33,800 रुपये हो जाएगी, और 12% लग के फिर 37,856 रुपये मिलने वाली है। इस प्रकार ये जूनियर इंजीनियर ये भी 10 लेवल की है, इसके भी बढ़िया है सैलरी है, ये जूनियर इंजीनियरिंग है, जूनियर इलेक्ट्रिशियन और सिविल के अंदर ये लेवल 10 10 की है, बढ़िया पोस्ट है ये। और कस्टमर रिलेशन के लिए लेवल 10 की है ये, अंत में सैलरी 32,144 रुपये मिलने वाली है। और मेंटेनर की है लेवल 5 की है, इसकी भी सैलरी ठीक है, अंत तक 23,296 रुपये मिलेगी, और 23,296 23,296 मेंटेनर मेंटेनेंस के लिए, ये आप देख लेना सैलरी वगैरह, बढ़िया सैलरी है।
और पोस्ट भी बढ़िया, जयपुर मेट्रो बढ़िया भी है क्योंकि जयपुर शहर में इतना प्रदूषण भी नहीं है दिल्ली जितना, क्योंकि प्रदूषण के साथ ही थोड़ा जीना दुब्बर हो जाता है वहाँ पर। तो बढ़िया है, शहर भी बढ़िया है क्योंकि आपको ये पोस्ट जयपुर में मिलने वाली है। अगर जयपुर मेट्रो में आप जाते हो तो अन्य कहीं पर ये नहीं मिलेगी। इसके अलावा जयपुर के अलावा अन्य शहर में जाती है राजस्थान में, तो आपको वहाँ से विषय में पोस्ट किया जा सकता है। ये बड़ी बड़ी बातें थी, और इसके अलावा भी आपको इसी प्रकार की समस्या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और प्रत्येक कमेंट का आपको आंसर हमारे दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसमें मैं इसकी प्रत्येक जानकारी लाता रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों।